अब पढ़ेंगे हम जिंक डेफिशिएंसी। जिंक डेफिशिएंसी, जिंक की कमी से होने वाले कौन कौन सी बीमारी होती है? जिंक की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले है एलोपेरिया, एलोपेरिया। एलोपेरिया क्या होता है? गंजापन। ठीक है, एलोपेरियम क्या होता है? पशु एक देखा होगा आपने, बहुत घने घने बाल होते हैं, और एक ऐसा होता है बिल्कुल एक भी बाल उसकी बॉडी पर नहीं पाया जाता, ठीक है। और आपने ह्यूमन में भी देखा होगा किसी के सिर पर तो खूब बाल होते हैं, किसी के सिर पर एक भी बाल नहीं होता, वो एलोपेरिया, उस कंडीशन को एलोपेरिया कहेंगे, वो जिंक की कमी से होती है, ठीक है। अगली बीमारी है उसकी लेमनेस, लेमनेस का मतलब होता है लंगड़ापन, ठीक है। लंगड़ापन चार तरह का होता है, ये जो लेमनेस है बॉडी कंडीशन स्कोर, बॉडी कंडीशन स्कोर BCS, BCS के हिसाब से हम लेमनेस का पता करते हैं, ठीक है। BCS में क्या होता है? BCS में जो बॉडी कंडीशन स्कोर होती है पशु की, वो पांच कंडीशन होती है, उसी के हिसाब से जो लेमनेस है वो डिसाइड होती है, उसी के हिसाब से पशु लंगड़ाता है। फर्स्ट लेमनेस एंड सेकंड कंडीशन लेमनेस, तो पशु पर कोई इफेक्ट नहीं डालती दूध पर, लेकिन 3, 4, 5 ये जो लेमनेस है, ये जो BCS है बॉडी कंडीशन स्कोर, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है मिल्क पर, ठीक है। मिल्क पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा तो पशु की लेमनेस लंगड़ापन बढ़ता जाएगा, एक दिन वही लेमनेस डिबिलिटी में चली जाएगी। वह लेमनेस किस में चली जाएगी? डीबीटी में। डीबीटी का मतलब है बहुत कमजोर। जब वही लेमनेस डीबीटी में चली जाएगी तो डीबीटी से वह पशु सीधा जाएगा आपका। डीबीटी में क्या होता है? पशु इतना कमजोर हो जाता है कि अपने पैरों से खड़ा नहीं हो पाता। अपने पैरों से जो पशु खड़ा नहीं हो पाएगा तो वो धीरे धीरे उसकी बॉडी फर्मेंटेड होने लगेगी, मैगेट बुंड पड़ जाएंगे और चमड़ी गलने लगेगी और धीरे धीरे उसको मौत का शिकार होना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो उसके बुंड होते हैं, जो घाव होते हैं, बुंड का देरी से भरना, जिस पशु के जिंक की कमी होगी या जिस आदमी में जिंक की कमी होगी तो उसके जो घाव होंगे वो बहुत लेट भरेंगे, यानी उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है, जो घाव की हीलिंग क्रिया होती है, हीलिंग प्रोसेस वो है बहुत स्लो होगी, ठीक है।
साथ में उसकी जो खुर होंगे, जिंक की कमी से क्या होगा, जो उसके पैर में खुर होते हैं ना, खुर का साइज विकृत हो जाएगा। जो उनका खुर का साइज है वो विकृत हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े एंड संट ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। उनमें क्या होता है, जब वो खुर का साइज विकृत हो जाएगा तो उसमें पशु को चलने में दिक्कत आएगी, लेमनेस वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, पशु में चलने में दिक्कत आएगी तो पशु डिबिलिटी में आ जाएगा। डिबिलिटी में आते ही वह उसके बुंडे हट जाएंगे, घाव हो जाएंगे, घाव जिंक वाले पशुओं के घाव भरते नहीं है, उस हिसाब से उसको मौत का शिकार होना पड़ता है, ठीक है। उपचार के रूप में हम जिंक सल्फेट देंगे, इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम इसका ट्रीटमेंट में जिंक सल्फेट 200 mg पर kg फीड, 200 mg 1 kg फीड में ऐड करना है खाने में, ठीक है, रोजाना। और पशु को टाइम टू टाइम डिवर्मिंग, टाइम टू टाइम उसकी केयर टेकिंग, और टाइम टू टाइम उसको ये बैलेंस राशन मिलना चाहिए। अगर ये चीजें सारी उसको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी तो पशु इन बीमारियों से, एलोपेरिया हो गया, लेमनेस हो गया, बॉडी कंडीशन स्कोर हो गई और डिबिलिटी हो गई, इन चीजों से वह दूर रहेगा। ठीक है, यह आपका जिंक डेफिशिएंसी टॉपिक खत्म हो गया।